हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है हर्षित, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल हर्षित गर्गामेटी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बहुत से डाउट क्लियर करने वाला हूँ। वो डाउट्स क्या हैं दोस्तों, वो डाउट्स हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन से रिलेटेड हैं, तो वो जो हैं हम उसके बारे में आज यही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि आप इस तरीके की वीडियो डालोगे तो मोनेटाइजेशन नहीं होगा और इस तरीके की डालोगे तो मोनेटाइजेशन होगा। पहले क्या होता था, आप टिकटॉक की वीडियोस डालते थे तो आपका मोनेटाइजेशन नहीं होता था, लेकिन अब नई पॉलिसी के खिलाफ क्या हो चुका है, आपका जो मोनेटाइजेशन है वो जरूर होगा अगर आप टिकटॉक की वीडियोस भी डाल रहे हैं, यू टिकटॉक से डाउनलोड कर करके उनको एक साथ जोड़कर कंबाइन करकर। तो दोस्तों उससे मतलब वो कैसे होगा, आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि वो कंटेंट कौन कौन से हैं जो अप्रूव हो सकते हैं, ठीक है, दूसरों के या अपने भी। दोस्तों सबसे पहला जो कंटेंट है वो हम बात कर लेते हैं टिकटॉक के बारे में, टिकटॉक का कंटेंट अब अप्रूव होगा या नहीं होगा। हाँ दोस्तों, टिकटॉक का जो कंटेंट है वो अप्रूव होगा, वो कैसे होगा उसके लिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने मैं मानता हूँ आपने 10 वीडियो उठाकर कंबाइंड करी, तो दोस्तों ये नहीं है कि आपने वो कंबाइंड करी और उनको ऐसे ही अपलोड कर दिया, उसमें आपको अपनी भी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी देनी पड़ेगी। अगर 60% आपने वो यूज़ करी है तो 40% आपको अपनी क्रिएटिविटी भी देनी पड़ेगी। मतलब उस वीडियो के ऊपर आप थोड़ा सा देखिए, वो वीडियो कुछ समझाने आई है, वो वीडियो अच्छे से समझा नहीं पाई, तो उसको आप अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ी कमेंट्री कर सकते हैं, ठीक है। जैसा देखते हैं आप मैच चलता है, मैच के ऊपर कमेंट्री होती है, तो इसी तरीके से आप टिकटॉक की वीडियो के ऊपर कमेंट्री कर सकते हैं। अगर आप उसके अंदर आपका 40% या 30% भी कमेंट्री कर दी तो आपका वो चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, वो वीडियो आपकी अप्रूव हो जाएगी। पहली ये थी। दूसरी क्या है दोस्तों, दूसरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरी ये है, जैसे हमने कोई YouTube से किसी बंदे की हमने वीडियो उठा ली और हम उसे अपनी वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे एमिवे बंटाई का हमने थोड़ा सा सॉन्ग उठा लिया, तो दोस्तों उसके बारे में आज हम यही बात करने वाले हैं, तो उसको हम अप्रूव कैसे करा सकते हैं। देखिए ये नहीं है कि आपने वही उठा के सीधी की सीधी वही अपलोड कर दी, तो वो आपके रीयूज़ कंटेंट के अंतर्गत आ जाती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए 40% आप उसकी उठा लीजिए, 60% आप अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर दीजिए, तो आपका जो मोनेटाइजेशन है वो ज़रूर होगा, आपकी वीडियो जो है वो ज़रूर अप्रूव होगी, आपको वीडियो डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। थर्ड जो है दोस्तों, थर्ड हमारा क्या है दोस्तों, थर्ड हमारा है म्यूज़िक यूज़ करना। जैसे हम किसी भी कंपनी का म्यूज़िक यूज़ कर लेते हैं, जैसे टी सीरीज़ हो गया या बहुत सी कंपनी हो गई, हम उनका म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, तो दोस्तों ये भी नहीं है कि आप सारा उनका म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, आप करो उनका म्यूज़िक यूज़, लेकिन आप ऐसा नहीं करो कि उनकी वीडियो भी आपने यूज़ कर ली, उनका म्यूज़िक भी यूज़ कर लिया, ऐसा मत करो। आप उनका म्यूज़िक यूज़ करो लेकिन अपनी थोड़ी क्रिएटिविटी उसमें दो, अपनी वीडियो लगाओ या उस गाने पर थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी दो, डांस करके दिखाओ, कुछ तो करो आप। मतलब 60% क्रिएटिविटी अपनी दो और मान लीजिए आप 50% क्रिएटिविटी अपनी दो, 50% आप उस गाने को यूज़ कर लो, मतलब पूरा गाना यूज़ कर लो, उनकी वीडियो यूज़ मत करो, वीडियो आप अपनी यूज़ करो, तो वो आपकी वीडियो ज़रूर अप्रूव होगी जो नई पॉलिसी आई है उसके अंतर्गत, ठीक है। चौथी टिप्स क्या है दोस्तों, चौथा जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपका डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों मैं, किस बारे में आप जानते होंगे, वो डाउट क्लियर करने वाला हूँ मैं दोस्तों। जो भी लोग बनाते थे कि दूसरे की वीडियो उठा ली और उसके ऊपर आप रिएक्शन दे रहे हो, अपने लड़कियाँ और लड़के आजकल बहुत रिएक्शन दे रहे हैं, जैसे अमित भंडाई का सॉन्ग आया था या गुरु भाई का सॉन्ग आता है या अमित भड़ाने की वीडियो आती है, तो उसके ऊपर आप रिएक्शन देते हो, तो लोग बाग क्या करते हैं, अपनी वीडियो तो लगाते हैं नीचे से छोटी सी और दूसरे की वीडियो दे देते हैं पूरी बड़ी, तो दोस्तों आपको ऐसा भी नहीं करना है। आप जैसे अमित भड़ाने की वीडियो आप यूज़ कर रहे हो, तो अमित भड़ाना सर की आप वीडियो थोड़ी सी नीचे दिखाओ, मतलब आप ये मान लो 1x1 की उनकी दिखाओ और 2x2 की अपनी दिखाओ, पूरी में अपनी डाल दो और छोटा सा नीचे बॉक्सेस में उनकी डाल दो और उसके ऊपर आप अपनी क्रिएटिविटी दो और आपका चैनल मोनेटाइज होगा और वीडियो अप्रूव भी होगी, ठीक है दोस्तों। आज की जो प्रो टिप्स थी हमारी यही थी, जो हमारे डाउट थे वो क्लियर कराना चाहता था मैं, यही थे, ठीक है दोस्तों। तो कैसे हमारे कंटेंट इसके लिए अप्रूव हो सकते हैं और कैसे नहीं, तो हमने अगर आपके ये डाउट क्लियर कर दिए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी हर्षित गर्ग एमआरटी और मेरा नाम है हर्षित गर्ग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मेरा नाम हर्षित, आप देख रहे थे अपने यूट्यूब चैनल हर्षित गर्ग एमआरटी। दोस्तों जय हिंद, वंदे भारत, वंदे मातरम।